और ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी आज के ब्लॉग में डाल देंगे, क्योंकि यह पार्ट मुझे लगता है कि डालना जरूरी है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में जी। सुबह सुबह आ गए हैं वॉक करने के लिए और हम वॉक कर रहे हैं जी। अपना जो भी कपड़ा है हिला रही है, तो जिया का अच्छा खासा एक्सरसाइज इसी में हो जाए। लेते मौसम हर सुबह मस्त कर रहा है, बस इंतजार कर रहे हैं बारिश का। बारिश का ना वो निशान ही नहीं है। अभी सुबह ठंडा लगता है, लेकिन हमको बस ये चिंता है काफी किसान का फसल है, सब खराब हो जाएगा अगर बारिश नहीं हुई तो। और सब जगह बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, इधर तो हो रही है। और यहाँ देखिए जी, फूल खिलना शुरू हो चुका है। यहाँ कुछ अलग ही तरह का पौधा है। यहाँ पर जो है तीन फूल एक साथ होता है और तीनों फूल जो है थोड़ा अलग अलग तरह का रहता है। देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जी ढंग से पकड़ता है, वरना कांटा ना लग जाए। देख सकते हैं यहाँ भी व्हाइट फूल होना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। एकदम रात में जो है माहौल पूरा खुशनुमा हो जाता है। तो हम लोग नीचे आ गए हैं जी। नीचे आते हैं, जिया जो है अपने काम में लग चुकी है। तो यहाँ जो है मूंग में से जो है अपना कंकर पत्थर हटा रही है। मुझे नहीं लगता है कि आजकल के मूंग सब में जो है कंकर पत्थर मिलता है, है इसमें बहुत है। तब तो ढक लिया हम लोग, वैसे एकदम क्लीन लाते थे। अब इस बार जो है ना पूरा कंकर पत्थर क्या सब गंदगी पूरा। अभी बज रहे थे दोपहर के 3:30 और जिया जो है अभी सो करके उठी है। सोने से पहले भी जो अपना स्थिति लंच में भी ढेर सारा यह ड्रम स्टिक खाई था। इतना टेस्टी है ना और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग तो वैसे इसको सोहजन कहते हैं ना। हाँ, सोहजन बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं पता। वैसे इसको डैडी भी खूब खाए थे, लेकिन डैडी को भी बहुत पसंद है, घर में सबको पसंद है, सिर्फ आप लोग को छोड़ दो। तो धन्यवाद मोलू का। तो मोलू भेजा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो इतना लेके खा रहे हैं। अच्छा करो, जल्दी से खाना खा लो, बाजार भी जाना है। पर बार बार आरोप लगाती है कि रील शूट नहीं कर देते हैं, तो समय बचता है नहीं, तो इसलिए से खा लो, कुछ एक दो थो रील शूट कर लो तब चलते हैं। फिर तो मेरा पेट भर गया, जल्दी से चलिए रील शूट कर। जिया का जो इंस्टाग्राम रील शूट करने पर से पूरा इंटरेस्ट जग जाता है और बहुत ही एक्टिव हो जाती है। और हम नहीं बना पाते और सबसे पीछे रह जाते हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है। और पता है क्या, इनकी आईडी पे भी हम एक्टिव हो चुके हैं, हम एक्टिव हो चुके हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यह चला रही है। तो आज यह राज खोल रही है। अगर आप लोगों ने इनको फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो इनकी आईडी हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जाइए उनको फॉलो कीजिए और इनका 10,000 फॉलोअर। ठीक है जी, तो आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। तो जिया जो है इंस्टाग्राम का जिम्मा संभाली हुई है और हम जो है यूट्यूब पर करते हैं। दोनों का अपना अपना अलग अलग शौक है। तो चलते हैं जी मार्केट, माँ ने कहा है कुछ लेने के लिए। कल रामनवमी है, तो रामनवमी के लिए हम लोगों को कुछ सामान लाना है। आज है दुर्गाष्टमी। अच्छा ठीक है, चलो जी अब चल रहे हैं मार्केट। जिया भी देख सकते हैं तैयार हो गई है। जिया को मना किया था तुम्हें नहीं जाना है, लेकिन जिया कही कि नहीं आज जो है मंदिर जाना है। आज शायद कितना अष्टमी है ना ये, तो जिया कहे कि आज जो है मंदिर ही चलेंगे, वहाँ पर जाकर के प्रणाम कर लेंगे। एक सौ पाँच का जी। मार्केट निकलने से पहले सोचा कि यहीं पर मंदिर है, पहले माता दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ही कहीं निकलेंगे। तो जी कर लिया पूजा, अब चलते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरुआत होती है जी तरबूज से। तो हम लोग ले रहे हैं तरबूज और आज जो है सारी फल का रेट जो है थोड़ा भाग रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कल है रामनवमी। केला देखते हैं, यहाँ से आज कोर्ट बंद है ना, इसलिए फल सब तो उठा लिया है जी, बस अब खीरा उठा लेते हैं। बाकी सब्जी में ज्यादा कुछ लेना है नहीं, टमाटर ले लेना। कैसे भैया लड्डू दीजिएगा 1 किलो। मिठाई तो हमने ले लिया, अब इसके बाद बचा हुआ है जो पताका सब होता है वो सब लेना है। जब भी मिठाई लेना होता है ज़्यादातर मिठाई यहीं से लेते हैं, क्योंकि यहाँ का मिठाई जो है लगभग जितना भी मिठाई सारा अच्छा रहता है, सबका टेस्ट अलग ही रहता है। स्पेशली अगर जब इसका लड्डू और स्पंज खाते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। क्या क्या लेना था, पताका और तिल का तेल और दीप, तीन चीज़ कर लो, हो गया सारा। आप YouTube पर आ रहे हैं, लाखों लोग देखेगा आपको। हो गई सारी खरीदारी और अब जो है कुछ बचा नहीं है, मुझे नहीं लगता शायद कुछ बचा है, बाकी क्या ही बचा है, क्या बचा है, जो भी बचा होगा ले लेंगे और चलते हैं सीधा घर। ये रहा गया था बस ये नींबू लेना, घर में नींबू खत्म हो गया। अभी 10 रुपये में एक नींबू मिल रहा है, रेट थोड़ा अच्छा खासा बढ़ चुका है नींबू का। 10 में हम लोग 3 लिया करते थे, लेकिन आजकल जो है महंगाई थोड़ी सी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जरूरत है तो लेंगे ही। 5 रुपये पीस भी मिलना चाहिए, 10 रुपये पीस।
हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं भुट्टा पका रही हूँ। पति देवगन अपना पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? दोनों चीज चल रहा है। इसने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी और काम को दे दी। अभी तक तो कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तब तक ये देख रहे हैं। और भुट्टा पका रहे हैं आपके लिए, ठीक है? बनाओ जल्दी बनाओ, भूख लगी है बहुत। गरम मसाला और ये नींबू, तो मसाला और नींबू लगाते हैं भुट्टा में। यहाँ पे बदिदेव एडिटिंग कर रहे हैं और आजकल इनको बहुत टाइम लग जाता है। वीडियो जाता था हमारा 9 बजे, आज जा रहे हैं 9:30 बजे, 10 बजे हो जाता है। ट्रांसफर करने में फाइल को जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। हम बैठते थे हमेशा 6 बजे और मोबाइल से एडिट करते थे, जल्दी हो जाता था, लेकिन जब से इस पर बैठे थोड़ा डेटा ट्रांसफर करने में थोड़ा समय लग जाता है इसीलिए। और जो मोबाइल का जो फाइल होता था एक्सपोर्ट करने के बाद मुश्किल से 500 MB इस तरह का होता था, लेकिन जब इससे एक्सपोर्ट करते हैं कम से कम 1.5 GB 2 GB का हो जाता है, तो अपलोड होने में भी समय लग जाता है यूट्यूब पर। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि टाइमली आप लोग को वीडियो मिले। अच्छा जी, और मैं जाती हूँ अभी आटा मिलाऊंगी, उसके बाद रोटी बनाना है, तो आटा पहले मिला लेते हैं। फाइनली जी आ गई है अपना रोटी बना करके और हमारा भी जो काम है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है और सोचा कि यहाँ पर बैठ करके पहले बात कर लेते हैं। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी आज के ब्लॉग में डाल देंगे, क्योंकि यह पार्ट मुझे लगता है कि डालना जरूरी है। कि कल जो हमने ब्लॉग डाला था आपने देखा होगा कि जिया उस समय परेशान थी और मैं भी थोड़ा सा परेशान था, भले इसके चेहरे पर मैं दिखा नहीं रहा था कि मैं कितना परेशान हूँ। कल जो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसके बाद जो रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था ब्रीच, एक वर्ड था उसमें, तो हमें ब्रीच को लेकर के जो कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर यह भी बताया गया था कि बच्चे का जो गला है उसके पास बच्चे का जो नाल है वहाँ आ चुका है, तो यहाँ जो है चिंता वाली बात है। हाँ हाँ, लेकिन जो रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था। रिपोर्ट में ब्रीच मतलब जी अलग ही मीनिंग था और वहाँ जो गले में जो फंस जाता है वहाँ कुछ अलग ही मीनिंग था, तो उन दोनों को हमने मिला के एक चीज समझ लिया। और कई लोगों ने कमेंट किया, आप में से कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कहा कि वहाँ जो है आखिरी मोमेंट आते आते ठीक हो जाता है, ज्यादातर केस में ऐसा हो ही जाता है, ठीक हो जाता है। समझाया, बहुत लोग मोटिवेट, और कई सारे मालूम चला कि अपने डॉक्टर सब्सक्राइबर भी हैं बहुत लोगों का, तो देखिए ईमेल भी आया, कमेंट भी आया, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया। बिल्कुल जरूर, वो बता रहे थे कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, बेबी ब्रीच होता है तो ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है, उसमें भी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है ब्रीच बेबी में भी। तो सिंपली एक बात कहना चाहेंगे जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग बहुत मोटिवेट करते हो और आप लोग फैमिली से कम नहीं हो, जितना आप लोग प्यार देते हो। बिल्कुल जी, और हमें लगता है कि हम जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमें भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं हमें तो पता नहीं होता है कि कौन सा इशू सीरियस है कौन सा नॉन सीरियस है, किसको लेकर के, फर्स्ट टाइम है हमारा तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन जब आप लोग से शेयर करते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है और एक परिवार जैसा कनेक्ट फील होता है, जैसे कि हमारा परिवार कोई हमें सलाह दे रहा है। और बहुत लोग तो ईमेल कर करके, नहीं तो आजकल कौन इतना किसी के लिए करता है। बिल्कुल जी, अच्छा लगता है जी, इतने ज्यादा कनेक्टेड है आप लोगों से, आप लोग इतना प्यार देते हैं और एक जो फैमिली मेंबर होता है उस तरह से केयर कर रहे हैं। और कल जब आप लोग का कमेंट आया तो उसके बाद ही मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, नहीं तो जब से मैं डॉक्टर के पास से आई थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये भले नहीं दिखा रहे थे और ये समझते हैं कि इनको इसको नहीं बताएंगे, इसको ऐसे समय में जो है स्ट्रेस देना सही नहीं होता है। और ऐसे ही जी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, जो भी आपके सुझाव है देते रहिए, आपके सुझाव से जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिली है हमें। और सबसे ज्यादा आप लोग अपना प्यार जैसे दे रहे हो वैसे ही देना और बहुत सारी ब्लेसिंग देना हमारी बेबी के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग कितनी दुआ रहेगी ना वैसे भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। तो आप ऐसा करते हैं जिस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं, उम्मीद करते हैं जी आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।